रांची के बरियातू में हुए सेना जमीन घोटाले मामले में रांची के पूर्व DCIS छवि रंजन को आज यानी 21 अप्रैल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर वे आज उपस्थित नहीं हुए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को IAS छवि रंजन ने ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। मालूम हो कि DC छवि रंजन को 21 अप्रैल को कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस प्रदीप मिश्रा को ईडी ने 2 मई को पूछताछ करने के लिए समन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने IAS अधिकारी छवि रंजन, CO, राजस्व कर्मचारी सहित कई जमीन माफियाओं के यहां एक साथ 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। गौरतलब है कि छवि रंजन सहित अंचलाधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री को मंजूरी देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली लगभग 5 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की। बता दें कि रांची में सेना की जमीन की रजिस्ट्री के मामले में रांची जिला प्रशासन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। दोनों ही जगहों पर जमीन की खरीद करने वाले, रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति, सरकारी पदाधिकारी जिनकी भूमिका रजिस्ट्री म्यूटेशन में है, वह ईडी के रडार पर है। सेना जमीन खरीद में फर्जीवाड़ा के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर जांच कर रही है। सेना से मिले दस्तावेजों के मुताबिक जमीन की खरीद बिक्री में बड़ी गड़बड़ी की पुष्टि भी हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।